हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिग्री प्रोटेक्टर के बारे में कि हमारा डिग्री प्रोटेक्टर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और किस तरह हम इससे किसी भी पीस के एंगल को मेजर कर सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से डिग्री प्रोटेक्टर को यूज़ करना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो फ्रेंड्स मैं पंकज और आप देख रहे हैं CNC मैकेनिकल सॉल्यूशन। और हाँ फ्रेंड्स, जो मेरे व्यूअर्स चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस हैं वो बराबर मिलती रहे। और हाँ, जिन्होंने मेरा अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर बहुत सारी टेक्निकल टॉपिक्स पे जो नोट्स है वो भी भेजता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आइए हम शुरुआत करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा डिग्री प्रोटेक्टर है यहाँ पे। अब मैं सबसे पहले आपको इसके पार्ट्स के नाम बता देता हूँ कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा यहाँ पे एक स्टील रूल है। देखिए आप इस स्टील रूल पे जो हमारी इंचेस की हमारी स्केल है ये, और ये हमारी MM की स्केल है। इसमें नीचे हमारी इंचेस की ग्रेजुएशंस कटी हुई हैं और ऊपर हमारी MM की ग्रेजुएशंस कटी हुई हैं। अगर आप बात करें तो इंचेस में हमारा ये 6 इंच तक मेज़र कर सकता है और हमारा MM में ये देखिए आप 150 mm तक हमारा कोई भी चीज़ को मेज़र कर सकता है। अगर दोस्तों उसके बात करेंगे तो ये हमारी डिस्क है यहाँ पे, जिस पे कि हमारी देखिए 0 से 180 तक हमारी इसके ऊपर ग्रेजुएशंस कटी हुई हैं। अगर आप बात करें तो ऊपर ये हमारी देखिए मार्किंग मेजरिंग गेज होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसकी सहायता से हम यहाँ पे एक देखिए निशान लगा हुआ है। ये निशान जिस भी लाइन के साथ मैच करता है तो हम उसकी सहायता से एंगल को मेजर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारे यहाँ पे एक स्केल नट लगा हुआ है, अगर इसको हम टाइट कर देते हैं तो हमारा ये बिल्कुल टाइट हो जाता है। अगर हम इसको लूज कर देते हैं तो जो हमारी ये डिस्क होती है वो मूवमेंट करने लग जाती है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इसके मटेरियल की कि किस मटेरियल की बनी होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। ये देखिए आप यहाँ पे इस पर लिखा रहता है ये हमारी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। अगर इसके लिस्ट काउंट की बात करें तो इसका लिस्ट काउंट हमारा 1 डिग्री होता है, यानी 1 डिग्री की एक्यूरेसी से हम किसी भी जॉब के एंगल को इसकी सहायता से मेजर कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें जो इसका ये ब्लेड होता है, हम इसको ही बेस मानते हैं और इसकी सहायता से इसको बेस मानकर किसी भी जॉब का हम एंगल को चेक कर सकते हैं। दोस्तों हमने एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी चाहिए, जब भी हम इससे किसी जॉब का एंगल चेक करते हैं तो उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से करके दिखाता हूँ कि किस तरह इसकी सहायता से हम जो हमारे जॉब होती है उसके एंगल को चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा एक यहाँ पे वी ब्लॉक है, इस वी ब्लॉक की सहायता से मैं आपको इसका जो एंगल है वो चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा पूरा 90 डिग्री का एंगल है, आप देख सकते हैं ऊपर हमारा यहाँ पे देखिए पूरी जो हमारा जो मार्किंग गेज है जो उस पर एक निशान लगा हुआ है पूरे वो 90 डिग्री से मैच हो रहा है, आप देख सकते हैं ये हमारा वी ब्लॉक है। मतलब इसकी सहायता से हम किसी भी जो हमारा पीस होता है उसके एंगल को आराम से मेज़र कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक जो दूसरा एंगल है हमारा पीस का, मैं इसकी सहायता से आपको मेज़र करके दिखाऊंगा। इसके बीच में हमारा गैप नहीं होना चाहिए, ये देखिए अब मेरे इसके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। अगर हम बात करें ये देखिए आप, अगर हम बात करें तो हमारा इसका एंगल दिया है वो 37 डिग्री है। हमने जब भी आप इसको चेक करोगे तो आपने इसके जो हमारा स्केल नट है उसको टाइट कर लेना है, ठीक है। ये हमारा इसका 37 डिग्री एंगल इस जॉब पे हमारा कटा हुआ है। तो दोस्तों इसकी सहायता से आप देख सकते हैं हम किसी भी जॉब की, देखिए आप देख सकते हैं ये देखिए इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए जैसे मैं इसको मेज़र कर रहा हूँ। ये देखिए आपने जो स्केल है उसके बेस, जो हमारा स्केल है उसको बेस मानना है और जो हमारी डिग्री है इसकी सहायता से आपने इसको एंगल को मेजर करना है। तो आप देख सकते हैं इसकी सहायता से हम इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं, ये देखिए। तो इसकी सहायता से हम किसी भी जो हमारी जॉब होती है उसके एंगल को आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक डिग्री प्रोटेक्टर। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो इसको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और मेरे चैनल पर CNC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो, लेथ मशीन से रिलेटेड वीडियो और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वीडियो सारी अपलोडेड है, आप उनको देख के अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।